मोदी सरकार द्वारा तीनों कृषि कानून वापस लिए जाने को कालेजपुर विधायक कुणाल चौधरी ने किसानों की जीत बताया है। साथ ही मोदी सरकार को तानाशाह बताते हुए सवाल भी खड़े किए हैं। आज दिखा दिया कि देश के लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ आंदोलन करने वाले लोग, महात्मा गांधी के विचारों के साथ चलने वाले लोगों की जीत हमेशा होती है। ये जीत उस अहंकार के खिलाफ है जो इस देश की तानाशाह सरकार में आ चुकी थी। वो काले कानून जो अन्नदाताओं को लीलने का काम किया, जो किसानों के साथ अहित करने का काम कर रहे थे, आज उनकी जो वापसी हुई है ये अन्नदाताओं की जीत है। और साथ में ये जीत उस अहंकार के खिलाफ है, उस दोषियों के खिलाफ है जो किसान के साथ काजी सजना चाह रहे थे। और वो दोषी जिन्होंने इस बात की परवाह नहीं करी कि किसान क्या चाहते और सिर्फ काले कानून थोपने का काम किया। मेरा सवाल है देश की सरकार और प्रधानमंत्री जी से, क्या ये बात समझने में 350 दिन से ज्यादा लग गए? 600 किसानों की हत्या के बाद आपको समझ में आई कि ये काले कानून गलत है? पहले दिन से अन्नदाता कह रहा था, पूरा देश का विपक्ष कह रहा था और राहुल गांधी जैसे नेता लगातार आपको चेता रहे थे, उसके बावजूद जिस तानाशाही तरीके से आप काम कर रहे थे, ये कहीं ना कहीं इस देश की सरकार की अदूरदर्शिता का निर्णय है कि 600 किसानों की मौतों का जिम्मेदार कौन है, उन अन्नदाताओं के 350 दिन खराब करे उसका जिम्मेदार कौन है, और ये काले कानून जिनके खिलाफ किसान सड़कों पे थे, वो इस बात को उन्होंने चरितार्थ कर दिया है कि जिस दिन ये सड़कें सूनी हो जाएगी, ये संसद आवारा हो जाएगी। मैं धन्यवाद दूंगा उन अन्नदाताओं का जिन्होंने सड़क के ऊपर बैठ के इस संसद को आवारा होने से बचा लिया, इस देश के लोकतांत्रिक मूल्यों को बचा लिया और काले कानून लागू करने वाली सरकार को घुटनों के बल बिठा के उनके अहंकार को चकनाचूर करने का काम करा। ये बधाई अन्नदाता को, और सरकार से सवाल है इन 600 मौतों के जवाबदारों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। उस गृह राज्य मंत्री जिनके बेटे ने जीप से कुचलने का काम अन्नदाता को करा, उसके खिलाफ कार्रवाई हो। उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो जिन्होंने किसानों को कभी खालिस्तानी तो कभी आतंकवादी बताने का काम किया, उनके खिलाफ कार्रवाई हो। तब जाके इस बात का होगा कि 600 अन्नदाताओं की मौत का बदला लिया जाएगा और स्पष्ट धन्यवाद किसानों की ताना शाह को ठीक करने का।